मेरे टोपियारी बनाने की तैयारी जो चल रही थी उसी के बीच में देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने वहाँ से यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। हाइट वाइज रखा है छोटा, उसे और थोड़ा बड़ा और थोड़ा बड़ा, साइज प्लांट साइज के हिसाब से हाइट भी रखा है मैंने। और कुछ आज मैंने फिर से थोड़ी सी ट्राई किए हैं और कटिंग नहीं किया है बिल्कुल, कटिंग करनी है। और इनको भी और थोड़ी सी इसका फेदर्स वैसा दिखे ऐसा सोच रही हूँ, पता नहीं क्या क्या होता है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए ये भी सारा यहाँ पर इस तरह पे हो रहा है, तो इसे यहाँ पर उठाकर ऐसे बांधना है। मैंने बांधा था वो टूट गया, वो रस्सी ना टूट गई, तो अभी बांध ही रही हूँ इसको यहाँ नीचे से। कुछ कुछ बांधा है और भी कुछ बांधना है बाकी है। यहाँ पर इसकी चोंच और इसकी चोंच परफेक्ट आ रही है, और इसका जो पीछे का हिस्सा है ये इस तरह से बन रहा है, तो ये अभी काम चल रहा है। और मैंने थोड़ी थोड़ी सी खाद भी दे दी है, थोड़ी वर्मी कंपोस्ट और ये बकरी का खाद जो है इनमें मैंने डाल दिए हैं 2 दिन पहले, तो अभी धीरे धीरे से ये अच्छा ग्रो होंगे। सारे पत्तियाँ वगैरह आ रही हैं ऊपर से ना, सारे कवर हो रहे हैं, पत्तियाँ वगैरह आ रही हैं तो सारे कवर हो रहे हैं। फिलहाल मैंने कटिंग नहीं किया है, कटिंग करूँगी तो उसके बाद मैं आपसे और भी शेयर करूँगी इसका। तो इसका एक छोटी सी अपडेट थी मुझे आपसे देनी थी। और कुछ मेरे फ्लावर्स के साथ ना कुछ हैंगिंग और सकुलेंट्स जो है वो धीरे धीरे से बढ़ रहे हैं, अच्छे से लग रहे हैं मुझे। ये देखिए ये धीरे ही ग्रो होते हैं प्लांट्स। और ये डॉल्फिन है, स्ट्रिंग ऑफ डॉल्फिन, और ये फ्लैप जैक, बस एक ही पौधा बच गया लास्ट से, और इसी में थोड़ी सी अच्छी सी अभी फुटाव आ रही है। इसके ऊपर मल्टीप्लाई करने का नहीं हो पा रहा है मुझसे, और ये सब कटिंग से ग्रो किया है मैंने। और ये देखिए कितना घना सा हो गया, इसका भी कटिंग ग्रो करेंगे साइड से तो बहुत अच्छे से हो जाएगा ये। और ये सब सूखते सूखते बचे हैं, तो ये वॉल की तरफ यहाँ पर, और ये भी सूखते सूखते शायद बचेगा या नहीं बचेगा बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है मुझे, पूरा गया हुआ है वो। और स्ट्रिंग ऑफ डॉल्फिन का ये मेन प्लांट है, मदर प्लांट है, इसी का कटिंग मैंने ग्रो किया है। इसका थोड़ा हालत ठीक नहीं है तो उसके लिए मैंने अलग से ग्रो किया है, और यहाँ पर भी परसों मैंने कटिंग वगैरह लगा के रखी है। तो इस तरह से अभी इस वाला कॉर्नर में जो है मैं सेटिंग इस तरह से कर रही हूँ। तो ये मेरा कॉर्नर, और यहाँ पर रखी हूँ मैं अपना ये टोपियारी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ठीक है, बन जाएगा, जैसे बनेगा वैसा ही छोड़ देंगे उसका। सो ओके फ्रेंड्स, बाय। प्लीज़ एक वीडियो को लाइक भी कर देना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देख लीजिएगा फ्रेंड्स, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मैं कौन सा फर्टिलाइज़र वगैरह डालती हूँ अपनी जुगाड़ से ही डालती हूँ, ज़्यादा खरीदती नहीं हूँ मैं, तो वो सब आपको अपडेट मिलते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय।